Hey guys, welcome back to another video on gaming update and आज स्काउट भाई टीम एक्सपार्क के साथ स्क्रिम्स में खेल रहे थे जहाँ पे टीम एक्सपार्क वर्सेस ग्लोबल इस्पोर्ट्स का 4v4 फाइट होता है एंड वो फाइट आप आगे देख सकते हो। बदला लेना चाहते हैं बट एंटिटी डार्क लॉर्ड दूसरी तरफ शैडो 205 को टेक डाउन करेंगे। दूसरी तरफ टीम एंटिटी भी हमें एक्शन नजर आ रही, बट ये टीम नंबर 22 को चैलेंज करेंगे एंड ये फाइट काफी मजेदार होगा। अमन देखिए यहाँ पर एक अच्छी तरीके से फाइट्स मजेदार देखने को मिल तो रही है, बट टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स उनके खाते में 1 फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स उनके आमने सामने देखने को मिल रही है। आई थिंक मानिया यहाँ पर सामने को देखने को मिल रहा है, बट मोगैम्बो थोड़ा सा यहाँ पर DP-28 का कमाल दिखाते हुए दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम एक्सपार्क भी कोशिश में लगी हुई है किस तरीके से वो यहाँ पर बाकी टीम्स के कंपेयर में अच्छे खासे यहाँ पर फिनिशेस कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि रोजो का आप देख सकते हैं हिल्स एरिया यहाँ पर टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं एंड आई थिंक ग्लोबल स्पोर्ट्स भी वहीं आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी टीम्स भी धीरे धीरे आते हुए देखने को मिल रहे। क्लोजिंग जैसे जैसे करेंगी वैसे वैसे हम लोग को फाइट्स देखने को मिलेगी। पहला जोन चल रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर दूसरा जोन भी हो जाएगा एंड टीम्स को भी धीरे धीरे वे मैप के अंदर और मेरे ख्याल से जूसी एंड क्लाउन दोनों प्लेयर्स शायद से बगी से फाइट लेने की कोशिश करेंगे। बता दें यहाँ पर जो कि क्लाउन, ओह माय गॉड, क्लाउन ने भी रोटेशन मार दिया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे रोटेशन पे रोटेशन, ताकि उनकी पोजीशन यहाँ पर रिवील ना हो। थोड़ा सा फाइट लेते हैं, देन पोजीशन को चेंज कर देते हैं ताकि आप उनकी पोजीशन जो रहती है वो रिवील ना हो जाए। एंड आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से टीम्स यहाँ पर फाइट करती हुई देखने को मिल रही है। एक्सपार्क के प्लेयर्स हल्की सी मुश्किल में नजर आएंगे क्योंकि उनके खाते में अभी के लिए 2 फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं। सामने यहाँ पर 2 टीमें देखने को मिल रही है, ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड एक और टीमें देखने को मिल रही है। तो थर्ड पार्टी मैच किस टीम के फेवर में जाएगा वो देखने लायक रहेगा। पहले ये देखने वाली बात वहाँ पे ज़रूर से निकल के आएगी, बट वहीं पे मैटमैन अपने DP-28 के साथ एक ओपनिंग नॉक देंगे। टीम 7C अपना यहाँ पे खाता खोलते हुए ज़रूर से नजर आ रही है। ये फाइट ज़्यादा देर तक और खिंचेगी नहीं। एंटिटी डार्क लॉर्ड की अगर आप पोजीशन देखिए, उनको पीछे रखा गया है कि वहाँ से एक बैकअप मिल पाए। टीम एक्सपार्क के सैयद ओपी आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता है डार्क लॉर्ड उन्हें बैकअप देंगे। अगर खिड़की से पीक आता है, पीछे से कवर पाएगा। ये बात होती है कम्युनिकेशन की। सैयद ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, देखिए डार्क लॉर्ड का नाम गूंजेगा। यहाँ पे पीछे से जो कहीं ना कहीं प्लानिंग हुई थी, पीछे से जो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी, वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन में बदलती हुई नजर आ रही। टीम एक्सपार्क विल नाउ क्लोज इन। पहले ओपनिंग नॉक का इंतजार वो यहाँ पे हो जाएगा। डार्क लॉर्ड का काम पूरा, पीछे से नॉक दिया। अब आगे बढ़ेंगे ग्लोबल इस्पोर्ट्स। मन्या सोलो प्लेयर स्टैंडिंग, हाइड एंड सीक का गेम प्ले यहाँ पे स्टार्ट होगा, वो लुका छुपी का गेम स्टार्ट होगा। बट कितनी देर तक क्या मन्या कैपेसिटी रखते हैं, क्लच करने की पोटेंशियल है इस प्लेयर में, बट जितनी देर तक पोजीशन अनरिविल्ड है उतना ज्यादा बेहतर। हागी मारी को लग रहा है कि कहने के शैक के अंदर है, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के मन या शैक के बाहर है कि ये ग्रेनेड निर्णायक हो सकता है। डैमेज नहीं मिलेगा, ये भी 45 तक क्लोजिंग करेंगे। 2 प्लेयर्स को डैमेज देती है मन्या इस बेडली सर्वाइविंग ऑन दोस्त एनएचपी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन बना के सामने वाले से नेक्स्ट पास कोशिश कर सकता है कि कंप्लीट कर। ड्रॉप शॉट है, अपने ड्रॉप शॉट के साथ एक प्लेयर को पिक ऑफ किया, बट सैयद पीछे से आएंगे एंड एक इजी पिक यहां पे निकाल के जाएंगे। ड्यू टू दैट मैन, अगर सेफ जोन के अंदर आप नहीं पहुंचते तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि चौथा जोन चल रहा है। जोन का डैमेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। रेवेनेंट मुश्किल में बचेगी। जीनो कोमा यहाँ पर डाउन कर दिया गया, सिर्फ यहाँ पर एनकोर एंड यहाँ पर एक और उनके टीममेट्स बचे हुए। एनकोर की तरफ से एक ग्रेनेड जाएगा, बट उतनी खास तरीके से वो ग्रेनेड यहाँ पर नहीं गया, डैमेज उतना खास नहीं दिया था। कहीं ना कहीं रेवेनेंट भी मुश्किल में पड़ती जाएगी। यहाँ पर उनके जो टीममेट है वो एक अच्छा खासा सकार विद 6x का एक अच्छा खासा यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग रेंज फाइट लेने की कोशिश में लगी हुई है रेवेनेंट को। थोड़ा सा अगर वो सही तरीके से फॉल बैक कर देती है तो एक अच्छी तरीके से अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकती है टॉप 5 के अंदर। वेल ऑफ कोर्स एक अच्छा पोजीशन कहने के ये टीम यहाँ पे ज़रूर से सिक्योर कर सकती है। वहीं पे दूसरी तरफ बात करें 8 टीम्स 22 प्लेयर्स, ये जो लॉन्ग रेंज का फाइट है वो हमें कहने के मुश्किलें क्रिएट करवाएगा। अगर आप नॉक सिर्फ 2 प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट हुए, बट ये लीजिए सरप्राइज अटैक सेंसी की तरफ से आएगा। सरप्राइज सरप्राइज सेंसी यहाँ पे निकलेंगे एंड 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक कर दिया है एक स्प्रे में। यही खासियत है इस प्लेयर की, सही मौके का फायदा उठाया। कभी भी आप देखते हो अमन के ऐसे सिनेरियोज में जनरली प्लेयर कहीं ना कहीं 1v2, 1v3 जो करते हैं, जैसा भी सेंसी ने किया। बट कभी कभार जो होता है इस प्रेशर सिनेरियो में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप थोड़े हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो, कई बार आपके स्प्रे चोक हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको टीम एक्सपार्क का वो 4v4 फाइट, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो का बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।